क्या देख रही हो? तुम कभी ससुर टाइप? मजाक उड़ा रही हो मेरा? नहीं, मैं आई हूँ किसी के साथ। किसके साथ? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। मेरा मतलब है घर वालों के साथ। तुम यहाँ इस बीच सड़क में इन गाड़ियों के शोर के बीच क्यों बैठे? ये गाड़ियों का शोर सुनकर ना मुझे बहुत सुकून मिलता है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए ना तो ये शहर की जो चहल पहल है, इसके अंदर किस कदर जिंदगी बसी हुई है, इसका अंदाजा भी नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हर किसी की लाइफ में कोई नया चैलेंज है। और ये सब बातें जो है ना, मुझे बहुत मोटिवेशन, बहुत चार्ज्ड अप फील कराती हैं। इस वजह से मैं यहाँ आके ना बहुत एक्साइटेड फील करता हूँ। हाँ, सीरियसली, ये गाड़ियों का शो नहीं, सीरियस। अरे हमें चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। देखा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब साथ होंगे तो आधा घंटा क्या, 5 घंटे भी पता नहीं चलेंगे। चलो चलते। अरे रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। वहां रह गई ये लड़की, तो बहुत देर हो गई है। कहाँ थी तुम? हाँ, तुम पहले घर आई, उसके बाद वापस चली गई, इतनी देर हो गई, कहाँ थी तुम? वो ऑफिस में थोड़ा काम था, इसलिए जाना पड़ा। अरे ऑफिस में कैसा काम, आज तो वीकेंड है, कहाँ का ऑफिस? वो अल्टरनेट डेज हो गए हैं, एक हफ्ता फुल डे होगा और एक हफ्ता हाफ डे। अच्छा, खाना नहीं खाया होगा ना? मैं ऐसा करती हूँ, खाना लगाती हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? अम्मी मुझे भूख नहीं है, मैं थकी हुई। अरे क्या क्या मतलब है, तबीयत ठीक है? मरजान, मरजान, क्या हो गया अनिबा, क्यों चिल्ला रही हो? तुमसे कोई बाहर मिलने आया है। मुझसे? वो भी इस टाइम, कौन मिलने आया है? पता नहीं, अपना नाम राजा बता रहा है। फिर से कहानी बुनी है, जो अनकही अनसुनी है, रिश्तों के उलझे फसाने, कुछ खूबसूरत बहाने, चाहत मोहब्बत के किस्से भी है, अपने पराए से रिश्ते भी है, कुछ जख्म है जो पुराने भी है, कुछ ख्वाब है जो सुनाने भी है। बोल कहानी अपनी जुबानी, हर चेहरा है कहानी। मेरे ख्वाबों का राजा हुआ ही हूँ। नहीं नहीं, हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं हुमायूं को अपने राजा की जगह नहीं लेने दूंगी। आई थिंक मुझे हुमायूं से दूर रहना चाहिए, अभी वो मेरे ख्यालों में आ रहा है।
कहीं मुझे उससे प्यार, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। चेहरा है